वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बढ़ते सब्सिडी की बोझ पर एक बार फिर से चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे उनकी रातों की नींद उड़ने लगी है। प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सरकारी सहायता बजट अनुमान से 1,00,000 करोड़ रुपए अधिक हो जाने की आशंका है। खाद्य सुरक्षा बिल समेत कई क्षेत्रों में जारी सरकारी सब्सिडी ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की नींद उड़ा दी है। वित्त मंत्री की माने तो इस समय देश में करीब 18 करोड़ वैसे कार्डधारी हैं जिन्हें पीडीएस के तहत सामान पर सब्सिडी मिलती है। वी मे हैव प्रॉब्लम्स, वी मे हैव कंस्ट्रेंट्स एज फाइनेंस मिनिस्टर श्योरली व्हेन आई थिंक ऑफ द एनोर्मिटी ऑफ सब्सिडीज टू बी प्रोवाइडेड आई lose my sleep, there is no doubt। उधर कृषि मंत्री शरद पवार का कहना है कि मौजूदा वितरण प्रणाली के चलते खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करना मुश्किल है और इसमें सुधार की जरूरत है। हालांकि कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर पीडीएस को अनुकूल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। एट दिस जंक्चर वी हैव सीरियस लिमिटेशन ऑन ऑल फ्रंट लाइक कैपेसिटी ऑफ मंडीज, फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द स्टेट एजेंसीज, मैनपावर, क्वालिटी इंस्पेक्शन मैकेनिज्म, स्टोरेज, मूवमेंट एटसेट्रा। इवन एट द करंट लेवल ऑफ ऑपरेशन द रेलवेज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू हैंडल द मूवमेंट एंड अबव ऑल वी विल हैव टू टेक अप अ मैसिव प्रोग्राम टू इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर क्रॉप्स। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि कृषि और टेक्नोलॉजी के लिए भारी निवेश की जरूरत है ताकि देश के 1.2 अरब लोगों को अनाज मुहैया कराया जा सके। ये 2 दिवसीय सम्मेलन प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून को अमल में लाने के बारे में राज्य के साथ विचार विमर्श के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है कि प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के अमल में आने के बाद जहां एक तरफ खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ाने की जरूरत होगी तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का सब्सिडी बोझ भी बढ़ेगा।